मेरे ख्याल शायद आप मुझे सिर्फ झूठा कहना भूल गई हैं। शायद मुझे अब जाके फील हुआ है कि मुझ में कुछ है, मतलब मैं शायद आज के दिन के लिए ही पैदा हुआ। चौधरी साहब धीरे लाते लग जाते हैं आज। अच्छा ये बताएं आपने डिग्री कहाँ से ली है, कहाँ से हासिल की है? ये आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं या मुझसे पूछ रही हैं? जमीयत वालों ने मेरे ख्याल आपको मारा कूटा भी है, हाथ पाथ भी छोड़े थे आप जी। पीपल्स पार्टी को आपने छोड़ा या निकाले गए? मुझे आपको हर चीज एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। आपके सारे फजूल किस्म के सवाल हैं, फजूल किस्म के सिंपल सवाल हैं, ठीक है? ईंटें भी बोल। किसी को आपने शरबत पिला दिया, उसने आपकी एक की जगह पे चार वोट दे दिए। अच्छा ये भी होता है? हाँ जी चौधरी, या जिनको अलग नहीं नहीं अल्लाह ना करे, मैंने कभी नवाज शरीफ से हाथ नहीं मिलाया। मैं चौधरी साहब की इतनी इज्जत करता हूँ जैसे भूखा रोटी की इज्जत करते हैं, जैसे अंधा आंखों की इज्जत, जैसे कुकड़ जो है वो दाने की इज्जत करता है। बुनियादी तौर पे मैं एक बात अमीर इंसान, अज तक पंजाब ने किसी ऐसे चौधरी नु नहीं जमया जरा चीमे दे सामने आके बोले किसी नु तकलीफ है जरिया तुहाडे कोल तोपां हैगियां ने, कड्डो अपनियां तोपां चलाओ मेरे ते। प्रोग्राम पंजाब टू न्यूयॉर्क के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आदिया नाज। नाज़रीन आज हमारे साथ डमी स्टूडियो से आए मेहमान मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा हैं, जो कि आजकल ख़ानदान तोड़ने का काम बड़ी खूबसूरती के साथ अंजाम दे रहे हैं। उम्र ढल चुकी लेकिन लड़ने को हर वक्त तैयार रहते हैं। बशीर चीमा साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया जी आपका और आपके तमाम जो मैनेजमेंट है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे मधु किया अपने प्रोग्राम में। और दूसरा ये कि मेरे ख्याल शायद आप मुझे सिर्फ झूठा कहना भूल गई हैं शायद। अच्छा वैसे ये बात जबान ज़दे आम है कि आपने दो भाइयों के अंदर दरार डाल दी आपस में। वैसे आपको ये किस बेवकूफ ने कहा है कि मैंने दरार डाल दी? ये नजर आ रहा है ना सामने? नहीं मतलब आपको कहाँ नजर आ रहा है? कोई आप कोई काले आप एक भाई के साथ, आप एक भाई के साथ दूसरे भाई के बेटे उनके साथ कुछ इस तरह चल रहा है? तो कोई मसला नहीं है, मतलब अगर एक काफ लीग में 10 बंदे हैं और दूसरी काफ लीग में अगर 2 बंदे आ जाएंगे, मुस्लिम लीग कायदे आजम का अगर एक ग्रुप हमें अलहदा से बनाना पड़ा तो एक ग्रुप मतलब तारिक बशीर चीमा ग्रुप जी, और दूसरा जो ग्रुप है वो पे ग्रुप बन जाएगा तो वो परवेज ले वाला ग्रुप बन जाएगा। नहीं देखिए सिंपल सा सवाल किया था मैंने कि दो भाई आपस में जुदा तो हुए ना, उसकी कोई ना कोई वजह तो हुई। भाई देखिए भाई जो लोग हैं उन सबको पता है हर चीज का, अब सारी चीजें आप मुझ पे तो ना डालें ना। उन दोनों को पता है सारी चीज़ों का, उन दोनों को पता है सारे मामलात का, उनके ख़ानदान के लोगों को पता है सारे मामलात का। मुझे 18 साल हो गए 18 साल इस ख़ानदान की खिदमत करते हुए। अच्छा ठीक है, और इन पूरे 18 सालों में मुझे अब जाके फील हुआ है कि मुझ में कुछ है, मतलब मैं शायद आज के दिन के लिए ही पैदा हुआ था, मैं शायद उस दिन के लिए पैदा हुआ था जिस दिन हम लोगों ने बैठ के ख़त लिखा था। अच्छा मैं शायद उस दिन के लिए पैदा हुआ था जिस दिन वो ख़त, वो लंबे बालों वाला क्या नाम है, घुघराले बालों वाले का वो जो स्पीकर है, दोस्त मजारी की बात, दोस्त मजारी हाँ। वैसे वो बहुत इधर उधर टूर पर रहता है, आपको भी पता है सारी कहानियाँ सबको, लेकिन वो उस दिन यहीं पर था। तो जिस दिन उसको लेटर दिया ना तो उस दिन मुझे पता चला कि मेरी कुछ थोड़ी बहुत अहमियत है, मतलब दिमाग चलता है मेरा। बाकी चौधरी साहब को तो आजकल आपको पता है चौधरी साहब ने तो जिधरे ला दे लग जाते हैं आजकल। देखिए आप बात को दाएं बाएं ना घुमाएं, मैंने एक सिंपल सा सादा सा सवाल किया उसका मुझे सादा सा जवाब दे दें। आपके ये जो सिंपल से सादे से सवाल होते हैं ना, इन सवालों के पीछे जो मतलब छुपे हुए होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। बाकी मेरे पास गीदर सिंह ही है। अच्छा, और गीदर सिंह ही मैंने रखी हुई है उसमें, वो क्या नाम है उसका, सिंदूर में इलायचियां भी डालता हूँ, उसको कारोबार भी करता हूँ उसका, इसलिए सारी चीजें मेरे कंट्रोल में होती है। मतलब पार्ट टाइम आप ये भी करते हैं? ये कह रहे हैं पार्ट टाइम नहीं करता मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें करके मुझे जो सबसे ज्यादा जो फायदा होता है, फायदा ये होता है कि हर बंदा मेरी दस्तरस में होता है। किसी भी बंदे को अभी देखें, अगर मैं आपको कहूँ
कि आप अभी प्रोग्राम को वाइंड अप कर दें। अगर मैं आपके दिमाग से कहूँ तो आप अभी प्रोग्राम वाइंड अप कर देंगी। वो कैसे? मतलब मेरे पास पावर्स है ना। आपने मुझे भी चौधरी शुजात समझ लिया शायद। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप खुद समझ रही हैं, मैं मतलब ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा, मैं आपसे क्या पूछती हूँ, आप कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब मैं आपसे कुछ और पूछ रही हूँ, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। आजकल के जो सहाफ़ी हैं उनका सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? क्या है मसला? ये है कि सहाफ़ी सवाल करते हैं और सहाफ़ियों की कोशिश ये होती है कि ये जो जवाब देना बनता ये हमारी मंशा के मुताबिक हो। अच्छा, अब मैं आपकी मंशा के मुताबिक जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठा, ठीक है? मैं को आपका ताबे नहीं हूँ, मैं को आपका मुलाजिम नहीं हूँ, मैं कोई आपका ग़ुलाम नहीं, ठीक है? असी गल कर दी, करी दिया धंके दी चोट, ठीक है? मैं तो बड़ा हल्का और बड़ा पोलाइट बोल रहा हूँ आपके साथ, वरना तो मैं तो पोलाइट बोलता ही हूँ। ये आपने डिग्री मतलब अगर कोई बंदा मेरे नाल बदतमीजी नाल गल करे ते 5-7 चंडा उनू ना वजन ते सुकून नहीं आंदा बंदे। ओए होए, पहलवानी का काम भी करते हैं मतलब आप? फिर चीमिया दा ना किने रोशन करना दस। अच्छा हाँ, ये तो मैं भूल ही गई कि आप चीमा हैं। हाँ जी। अच्छा ये बताएं, आपने डिग्री कहाँ से ली है, कहाँ से हासिल की है? ये आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं या मुझसे पूछ रही हैं? नहीं, मैं पूछ रही हूँ। अभी आप मुझे एफए पास का ताना देंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं नाजरीन, आपके नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि मैं एफए पास हूँ, ठीक है? अच्छा, और इस पे कोई प्रोपेगेंडा या कोई सियासत या कोई बात नहीं होनी चाहिए, प्लीज। उसके बाद मैंने तालीम छोड़ दी क्योंकि मैंने सोचा कि मैंने बहुत पढ़ लिया, अब मैं और पढ़ के क्या करूँगा, बस अब मुझे सियासत करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी, तालीम छोड़ दी मैंने बस। अच्छा देखें, मतलब आप एफए पास हैं, आपको मैं बताती हूँ कि आप बार बार मुझे आपने अल-ज़ुल्फ़िकार से मेरा ख्याल इब्तदा किया, देन उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आपका किसी से कोई झगड़ा वगड़ा हुआ, जमीयत वालों ने मेरा ख्याल आपको मारा कूटा भी है, हाथ पाथ भी तोड़े थे आपके जी, गालिबन 1978 की बात है। बीबी अपनी ना उम्र से और अपने मतलब एज से आप बड़ी बातें कर रही हैं, 78 अभी तक तो पैदा ही नहीं हुई होनी। लेकिन देखें, नॉलेज सारी है, जैसे भी आपने बोला एफए पास हूं, बेशक सर्च कर लें आप। ये तेरे जे जर्नलिस्ट जेडे 3-4 सवाल मतलब गूगल तो इधर उधर देख के ते 3-4 प्रिंट काट के ते बैठ जाते ने ते कहंदे ने कि जी असी को बहुत बड़े सहाफ़ी है, ठीक है? एहो जे सहाफ़ी मेरी जेब विच रहंदे ने। अच्छा, अब आप ये भी कहना चाहते? लेट मी वेरी क्लियर टू, ओके, कहिए, लेट मी वेरी क्लियर, कहिए। जमीयत वाले नाल फड्डा होया, ठीक है, कोई गल नहीं, कदी असी उन्हां दी अंगल तोड़ देनी, ठीक है जी, कदी बाजू वड देनी, ठीक है जी, कदे टंग वड देनी, ठीक है, कदी कदी हो जाता है, मतलब उन्होंने मतलब मेरी बाजू अगर तोड़ दी, ये होया। तो ये आप बदमाशी भी करते थे? बदमाशी तो देखें, अब चीमे बदमाशी नहीं करेंगे तो होर की करेंगे, मतलब को मज्जा चारनिया ने उन्होंने। अच्छा, की कर? अच्छा ये बताएं कि ये आपकी सियासत का आगाज कब हुआ? सियासत का आगाज तो PSF, बाकी अल-ज़ुल्फ़िकार जैसा कि आपने बताया, उसके बाद फिर 97 में मैंने पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया। अच्छा सही। अच्छा ये बताएं, पार्टी को छोड़ा, पीपल्स पार्टी को आपने छोड़ा या निकाले गए? सच सच बताइए। नहीं मतलब मुझे आपको हर चीज़ एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि ये वगानिया का देश है, न्यूयॉर्क वगानिया का देश है, थे मतलब असी तो मेहमान ही है, चलो कोई मेहमान वाला ही मतलब थोड़ा सा समझ ले। ठीक है, ठीक जी, बिल्कुल समझ गई, समझ ले, समझ गई। हाँ आप मेहमानों वाले को थोड़ा सा मतलब लिहाज कर लें, बाकी आपका भी पाकिस्तान है तो बताएं, लाहौर एयरपोर्ट पे जब आप उतरे तो फोन करें आप मुझे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये वाले जो मुश्किल वाले सवाल होते हैं ना, ये आप कैसे करते हैं। अच्छा, आप मुझे दावत दे रहे हैं या धमकी दे रहे हैं? देखिए, दाल से दावत होती है, दाल से धमकी होती है।
आप इसको दावत समझें या इसको धमकी समझें, सही ये आपकी बात। अभी आप वैसे दो चार दिन न्यूयॉर्क में हैं। हाँ जी, तो क्या हो गया न्यूयॉर्क, मतलब तू ऐसे डीसी लगी, मतलब आप क्या करेंगे मेरा? पाकिस्तान में किसी सहाफी की इतनी जरूरत नहीं हो सकती कि वो इस तरह इस लैंग्वेज और इस लहजे के साथ मेरे साथ बात करते। किसी की भी नहीं, इतने डरपोक सहाफी है पाकिस्तान में, मतलब किसी की जरूरत हो ही नहीं सकती। दो चार दोस्त है बस मेरे, ये वसीम हो गया, काशिफ हो गया, वो मीर हो गया, उसके बाद कमरान खान, जी जी बिल्कुल, बस ये दो चार लोग हैं, अब्दुल मालिक। देखिए सिंपल सा एक सवाल था जिसको आपके सारे सवाल सिंपल हैं, आपके इतनी लंबी तंबीर बांध दी, आपके सारे फजूल किस्म के सवाल हैं, फजूल किस्म के सिंपल सवाल हैं। 97 में पीपल्स पार्टी लेफ्ट की, उसके बाद फिर अब्बा जी के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे ज़हूर इलाही से। ज़हूर इलाही ने कहा कि जी इस मुंडे नू इधर पा दे साढ़े नाल, सियासत करूंगा, बहुत अगे जाएगा, बहुत अगे। उसके बाद फिर काफ लीग बनी, तो काफ लीग में मैं शामिल हो गया। मैं तो आजाद, आपको बताए मेरे तो इलाके में मुझे ईंटें वोट देती हैं। अच्छा, मेरे इलाके के दरख्त मुझे वोट देते हैं। ये जो कहते हैं ना कि जी वो मतलब हल्का तो होता है 70,000 लोगों का, और वहां से 1,00,000 वोट कैसे निकलते हैं, तो वो 1,00,000 वोट ऐसे निकलते हैं। ठीक है, ईंटें भी वोट, किसी को आपने शरबत पिला दिया, उसने आपकी एक की जगह पे 4 वोट दे दिए। अच्छा, ये भी होता है। हाँ जी। अच्छा देखिए, आपने चौधरी बरादरान को लड़ाया, आप फिर अलग कर दिया। देखिए मैं आपको सियासत से तो आपको बुलाया नहीं है ना, जो सवाल था इनके जवाब तो देखिए आपको देना होंगे ना। देखिए मेरी बात सुने, मैं आप फिर मुझे कहेंगे सिंपल का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, तो मैं आपको सियासत के अलावा कोई और बात कर लें। आप सियासतदान हैं तो सियासत से मुताल्लिक ही सवाल होंगे ना, मैं आपसे किसी फिल्म या उसका तो नहीं पूछूंगी ना, गुलूकार का सवाल तो सियासत से मुताल्लिक ही होंगे। देखिए मौसम यहाँ पे भी खराब होता है, मौसम यहाँ पे भी गर्म हो रहा है, क्लाइमेट एनवायरनमेंट चेंज यहाँ पे भी हो रहा है। ज़रात के हवाले से मैं आपको मशवरे दे सकता हूँ, बागबानी के हवाले से मैं आपको मशवरे दे सकता हूँ, ये आम और बेर के दरख्त को वो कलम कैसे किया जाता है ये बता सकता हूँ आपको। देखिए चीमा साहब, चीरा लगा मशवरों के... की अपने मशवरों की पटारी एक थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें और मुझे ये बताएं, प्याज में अगर खाद डालेंगे ना तो प्याज के पत्ते जल जाते हैं। अब हम सवाल की तरफ आ रहे हैं। जी जी जी। अब मुझे बताइएगा कि आपने उन दोनों को लड़ाया फिर अलहदा कर दिया, जब भी तो वो आसान हदफ बने ना सबके लिए। आप किन की बात कर रही हैं? दोनों भाइयों की, चौधरी भाई बरादरान की। कौन से भाई? ये परवेज इलाही और चौधरी शुजात सैन। अच्छा, चौधरी असल में आपको पता है पंजाब में बहुत होते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसलिए बंदा भूल जाता है। और भी दो भाई हैं जिनके साथ आपने काम किया, चौधरी या जिनको अलग किया? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, मैंने कभी नवाज शरीफ से हाथ नहीं मिलाया। अच्छा, ये और बात के मतलब छोड़े बस रहने दें। मैंने तो मरियम बीबी को भी पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली मर्तबा देखा है जिंदगी में, इससे पहले मैंने कभी नहीं। अच्छा, इससे पहले आपने नहीं देखा था? कभी नहीं देखा। ओहो, कभी नहीं देखा। मैं चौधरी साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं चौधरी साहब की इतनी इज्जत करता हूँ जैसे भूखा रोटी की इज्जत करता है, जैसे अंधा आंखों की इज्जत करता है। अच्छा, जैसे कुकड़ जो है वो दाने की इज्जत करता है। ठीक है, और बस बहुत इज्जत करता हूँ। अच्छा देखिए चीमा साहब, मेरे पास एक क्लिप है काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम का, जिसमें आप चौधरी शुजात के छोटे भाई वजाहत हुसैन साहब के साथ बैठे हुए थे, जिसमें आपने खुद कहा कि चौधरी साहब कुछ चूचे काके तो नहीं है, मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं आप उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, दूसरी तरफ ये दोगलापन समझ नहीं आया मुझे। देखिए आप भी उसी धोखे में आ गए ना जिस धोखे में चौधरी वजाहत हुसैन आ गए। कौन सा धोखा? नहीं, चौधरी शुजात हुसैन कोई काके मुन्ने कुछ चूचे कुछ छोटे तो है नहीं, बच्चे तो नहीं है ना, वो कहने का मकसद मेरा ये था। अब उसे गलत अंदाज में ले लिया गया। अब उनके भाई जो हैं वो वजाहत, वो कहते हैं कि जी मुझे बात करने की तमीज़ ही नहीं है। अब आप बताएं, मुझे बात करने की तमीज़ नहीं है? नहीं, तो मतलब मैं जितने हमारे जितने, देखने वाले सही तरीके से बताएंगे, जितनी देर हो इनसे जरा पूछिए जो देख रहे हैं ना इस वक्त, जितनी देर आपके प्रोग्राम में मुझे हो गई है, ईमान से बताएं, क्या मैं
तमीज वाला बंदा नहीं लग रहा, मैं कोई बदतमीजी कर रहा हूँ? देखिए आप एक तो ईमान का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा मुझसे पूछ रहे हैं। मैं फिर कह रही हूँ कि ये फैसला देखने वालों पे छोड़ दें प्लीज। बाकी मेरी मतलब कभी भी ये कोशिश नहीं रही कि मैं दराड़ें डलवाऊँ, खानदानी मामलात में घुसूँ, बात करूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये थोड़ा जिन्ना अगर काशिफ अब्बासी मैनू मौका दे दिंदा तो मैं वजाहत हुसैन टेलीफोन दे विच पढ़ के उत्थे मैं फिर वेखदे तुसीं मैं की करदा। अच्छा हाँ जी, बुनियादी तौर पर मैं एक बातमीज इंसान, समझ मैं ए नहीं आ रही कि कां ते कां हुण लालियां भी बोलन लग पिया ने। मतलब चलो अच्छा कीती मैं जहन साजी, जिहड़ी तुसीं टोप चलानी है चला लो, तुहाडे कोल टोप टोप है जी, तुसीं टोप चलानी है चला लो जाओ। अच्छा देखिए चीमा साहब, आप चौधरी वजाहत हुसैन से झगड़ रहे हैं, सुना उनसे जो झगड़ा करता है वो पंजाब में रह नहीं सकता। अजे तक पंजाब ने किसे ऐसे चौधरी नु नहीं जमया जिहड़ा चीमे दे सामने आके बोले। अच्छा ये तो वक्त ही दसूंगा कि मतलब कौन किन्ने पानी च है कि ओदे कोल की मतलब को बंदे खांदा है, ओदे वी हाथ हैगे ने, ओदियां चार अखां हैगियां ने, की होया मतलब कोई केड़ी कोई ऐसी एहो जी कुछ स्पेशल एटम बम हैगा ओदे घर दे विच, एटम बम चलांदा है, डाके मरवांदा है, की करदा? देखिए चीमा साहब मतलब केड़ी केड़ी ओदे कोल पावर एहो जी हैगी जेड़ी मेरे कोल नहीं हैगी? 12 सिलेंडर गड्डी है मेरे कोल। अच्छा हां जी, देखिए 12 सिलेंडर गड्डी। हार्ट टूटने के बाद यूनिवर्सिटी तो आप गए नहीं, वजाहत हुसैन से झगड़ के ऐसा ना हो वाकई आपको पंजाब से निकलना पड़ जाए। ये बार बार हाथ टूटी हड्डी पंजाब यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? आप उस वक्त भी तो चीमे थे, कुछ चाय पानी पिला दे। अच्छा चलब हो गई आपको? हाँ जी। पहले मेरा ख्याल है इसका जवाब दे दें। केड़ी गल दा जवाब देना? नहीं ना कि पंजाब हार टूटा तो पंजाब यूनिवर्सिटी तो आप गए नहीं दोबारा, अगर वजाहत हुसैन ने वाकई जोश में आ गए तो पंजाब ना छोड़ना पड़ जाए आपको। अच्छा जी ठीक है, बस हो गया ताड़ा सवाल हो गया, बस मेरा जवाब हो गया। अच्छा खत्म एंड? हाँ जी, मैं नहीं दे रहा जवाब। आप इसका जवाब नहीं देना चाहते? नहीं नहीं ठीक। अच्छा नाज़रीन, हमें ऐसा लगता है कि हमें यहाँ ब्रेक लेनी चाहिए क्योंकि ऐसा लगता है कि चीमा साहब जो है वो खासे गुस्से में आ गए, तो आप इश्तिहार देखिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ डमी स्टूडियो से आए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा साहब। अच्छा चीमा साहब ये बताइए कि आप मुस्लिम लीग नून से मुस्लिम लीग काफ से वाबस्ता हैं या फिर आप पार्टी पर काबिज हैं? देखें मैं काफ लीग पे काबिज नहीं हूँ, ठीक है, ये और बात है कि काफ काफ कैंची वाला काफ जी जी उसमें बड़ी मुमासरत है। अच्छा। अब देखे ना मेरे नाम में और मेरी पार्टी में, मेरे नाम के आखिरी हर्फ में और मेरे पार्टी के आखिरी हर्फ में कितने मुमासरत है। मतलब आप हसीन इम्तिजाज चेक करें। अच्छा हसीन इम्तिजाज चेक करें, चेक करें, देख लिया चेक कर लिया और कैसे चेक करेंगे? ठीक है ओके। तो कब्जे का मेरा कोई ना इरादा है, ना मैं कब्जा करता हूँ, ना मैं कब्जा कभी करूँगा। ये पार्टी चौधरी शजात साहब की है, चौधरी शजात साहब जो है वो चेयरमैन है माशाल्लाह हमारे, और अल्लाह ताला उनका जो साया है वो देर तक हमारे सरों पे सलामत रखे। मैंने उनके लिए हेडफोन लिए हैं नए, आपने देखे होंगे पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी उन्होंने लगाए हुए थे, वो जिसका माइक यूं करके होता है, वो कंप्यूटर वाले जो जी 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 आते हैं जिनका माइक आके होता है, क्योंकि चौधरी साहब को थोड़ा सा इशू होता है माइक पकड़ने में। हाँ। तो इसलिए मैंने कहा चौधरी साहब आपको ये वाला माइक लगा देते हैं हम लोग, ताकि वो मैंने खुद मतलब 350 रुपए के ऑनलाइन मंगवाए। अच्छा। ऑर्डर किया था मैंने। ठीक। तो मैं तो बहुत ख्याल रखता हूँ उनका,
मैं तो पार्टी का मैं देखिए मैं समझता हूँ कि पार्टी को हाईजैक नहीं होना चाहिए। मैं इस वक्त उम्र के बिल्कुल बेहतरीन हिस्से में हूँ, क्योंकि उम्र के इस हिस्से में आके मुझे पता चला है कि तेरी कितनी रिस्पेक्ट है जी। जी में तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। ठीक है, ये लोग नारे लगाते हैं मेरे लिए, कदम बढ़ाओ चीमा भाई हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, जहां तक रही हड्डियां टूटने की बात, हड्डियां तो मेरी जुड़ जाएंगी। आजकल टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई। मैं तो बल्कि जब ये न्यू ईयर आता हूँ तो यहाँ पे आके थोड़ा सा जरा सेटिंग कराता हूँ अपने मुंह की भी। अच्छा अच्छा, क्योंकि जवान लुक किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन चीमा साहब, जमीयत में जब आपका हाथ तोड़ा था ना, वो हड्डी तो उस वक्त जुड़ गई थी, उस वक्त उम्र थी, लेकिन अब अगर कभी हाथ वाट टूट गया ना तो जुड़ेगा नहीं वैसे। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई, लेकिन पता नहीं आप क्यों बार बार वो टूटा हुआ हाथ, वही पंजाब यूनिवर्सिटी। उस दिन मुझे बहुत मार पड़ी थी, उस दिन तो मुझे थप्पड़ भी बहुत पड़े थे, लेकिन बस मैंने बर्दाश्त किया। जाहिर है आपका हाथ टूटा, खिदमत तो अच्छी की होगी। अरे खिदमत, मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि आपकी अच्छी मरम्मत की है, मेरी सही वाली उन्होंने मरम्मत की। मतलब आप ये देखें कि अभी भी मैं अगर अपने हाथ को यू करूं तो मतलब तकलीफ होती है। अभी भी अगर मैं अपने अगर अभी भी मैं अपने हाथ को थोड़ा सा यूं करूं ना, ये यहाँ से टूटा था। अच्छा, तो अभी भी थोड़ी सी तकलीफ होती है मुझे। तो ये चीमा साहब, आपके मकासद क्या हैं वैसे? अब मकासद क्या, मैं कोई मतलब कोई सोसाइटी बना रहा हूँ कि मैं आपके मतलब सड़कें पक्की करा दूंगा, नालियां पक्की करा दूंगा, क्या मतलब किस चीज़ के मकासद? सियासत में अब मजीद आगे क्या मकासद? सियासी मकासद जो मैंने हासिल करने थे वो मैंने कर लिए, बस एंड हो गई, खत्म। मेरे मतलब जो दोस्त, मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता यहाँ पे, मुमकिन है आप में से कुछ थोड़े बहुत लोग जानते हो उनको, मेरे दोस्त को। लेकिन मेरा जो दोस्त है ना, वो पाकिस्तान में हो या ना हो, वो पाकिस्तान से बाहर भी बैठा हो ना, तो एक फोन पे काम हो जाता है पाकिस्तान। मतलब ये फोन वाले काफी सारे लोग हैं पाकिस्तान के लिए, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं उस शख्सियत, उस अजीम शख्सियत की बात कर रहा हूँ, जिस अजीम शख्सियत ने मुझसे बार बार राबता किया। अच्छा, फिर हम लोगों ने वो खत लिखा, फिर वो खत गया, फिर वो लंबे बालों वाले ने, घुंघराले बालों वाला जो बंदा है, मुझे उसका नाम दोस्त मरजारी साहब, हाँ दोस्त मरजारी जो भी है, उसने फिर वो खत पढ़ा, तो मतलब सारा ये सारी चीजें, जितनी भी सारी चीजें हुई, ये उस दोस्त की करामत। अच्छा, आप समझ गई होंगी। जी जी, मैं समझ गई, बिल्कुल समझ गई। ठीक, मैं असल में नाम डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर सकता ताकि आपके नाज़रीन का पता चले कि वो कितना समझ रहे हैं। नहीं, हमारे नाज़रीन समझ गए होंगे। जी जी हाँ, कमेंट सेक्शन में बता देंगे। वैसे देखें, रोला पाई रखो हर गलत हर चीज से, ये मेरी सियासत का मकसद है बस। लेकिन आपकी सियासत में वैसे काफ लीग को बहुत नुकसान पहुंचाया। मैंने आपको अभी दो पार्टी का एक फार्मूला पेश किया था, काफ लीग मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लीग तो एक ग्रुप, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ग्रुप पे ग्रुप, पे ग्रुप फिर बन जाएगा मीम ग्रुप, मोनसिराई ग्रुप। तारिक बशीर चीमा का अगर कोई वल्लीवारिस आएगा सियासत में तो उसका बन जाएगा, वरना फिर मेरी जो पार्टी है उसका नाम बस यही रहेगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ दो एक ग्रुप। अच्छा, मुमकिन है कभी ऐसा हो, लेकिन ऐसा कभी ऐसा हो ना भी, कभी ऐसा नहीं भी हो सकता, कल पैचअप भी हो सकते हैं, कल मैं दोबारा भी, अगर ये आपकी कोई सेटिंग वेटिंग है, अगर इमरान खान से थोड़ा बात करनी हो। नहीं नहीं, बिल्कुल आप क्या दोबारा जाना चाहते हैं? मतलब देखिए, सियासत नहीं, में आप दोबारा जाना चाहते हैं? देखिए, सियासत में कोई भी चीज जो है वो हर्फ आखिर नहीं है। ये मैंने सीखा है अपने उस्ताद आजम से, और मेरे जो उस्ताद आजम वो हैं जनाब चौधरी शजा साहब। अच्छा, बाकी पहले किला को काफ लीग के विच नासा दे साइंसदान काम करते
कि जिनको मेरी वजह से कोई नुकसान हुआ है, या आप कौन सा कोई बहुत बड़े बड़े कुछ साइंटिस्ट बैठे हैं, कोई बहुत बड़े बड़े कुछ मुजद्दद किस्म के लोग बैठे हैं, अभी तो वही है सब कुछ। मतलब मुझसे देखें, आई एम द विनर, मैं की रोल प्ले किया है, आई एम द फोर्स, ठीक है, ऑफ एग्रीमेंट, जी जी, आई एम द ड्राइवर। मैंने कहते नहीं कि जी वो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चौधरी शजाद साहब नाल, ओदे तुसी ड्राइवर सी, यस आई एम, मैं सीगा, फिर किसी नु तकलीफ है जिहड़ी तुहाडे कोल तोपां हैगियां ने, कड्डो अपनी तोपां चलाओ मेरे ते, मैं किसी से को डरता हूं। चौधरी शजाद हुसैन कहते हैं कि आप झूठे हैं, आपके दीगर कुलीग्स भी कहते हैं कि झूठे हैं। चौधरी नु छोड़ो, अब ये बता सच बोल रहे हैं या मतलब केड़े केड़े बंदे नु सीरियस लेके बह गए होते, केड़े मतलब चौधरी शजाद को सीरियस लेने वाली चीज है कि जी वो कहता कि जी आप तो झूठ रहे हैं, मैं कोई झूठा नहीं। तो आपकी वजह से काफ लीग सुकड़ कर रह गई है ना, उधर काफ लीक है, मालदीप है कि जी सुकड़ती जा रही है, उधर तो पानी आ रहा है समंदर दा, उधर जजीरे सारे बंदे कितने थे कि टुकड़े टुकड़े होके बिखर गए। देखें, मैंने अभी भी आपको फार्मूला पेश किया, तो ए ग्रुप का और पे ग्रुप का, तो ए ग्रुप का चेयरमैन अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मैं अभी नहीं कहना चाह रहा अपने मुंह से, लेकिन आप समझ गए होंगे मेरी बात जी, तो एक ग्रुप का चेयरमैन कौन होगा? नहीं, मकसद समझ गई मैं आपका, हाँ, लेकिन जरूरी भी नहीं है कि ऐसा हो। आपको अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं है? नहीं, मतलब मैं एहोजा केड़ा काम किया है, मैं कुछ चाह दे विच डिगी हुई मक्खी नो काट के अपने मुंह दे विच पा के मक्खी खा के फिर तो चाह पी गई, क्या मिसाल दी है। मैं मतलब एहोजा मैं केड़ा काम किया है कि मतलब मैनु शर्मिंदगी, नदामत, अखां चो हंजू, मतलब क्यों वजह? शर्मिंदगी है, कोई शर्मिंदगी नहीं। शर्मिंदगी है या नहीं है? मतलब मैं जरी गल कर रहे हैं तो मैं कोई शर्मिंदगी नहीं है मैनु। अच्छा, ठीक है, शर्मिंदगी अली गल ही कोई नहीं, प्राउड अली गल है, मैनु तो प्राउड इस गल दा, ठीक है, कि मैं क्योंकि इमरान खान ने बहुत 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 ज़्यादा मतलब मैं तुम्हें की दसा है तो लोगों के तो दिमाग खराब कर छड़े ने उन्हें, लोग कहते हैं इमरान खान सी तो मुल्क दे विच बड़ी खुशहाली सी, कितने खुशहाली सी वेखो मुल्क दे विच हालात किने सैट करते हैं, लोड शेडिंग शेड्यूल के मुताबिक। अच्छा, पाकिस्तान का कोई एहोजा इलाका मैनू दसो जिथे लोड शेडिंग शेड्यूल तो बगैर होती है? ना करें ये बात, ना करें, हमारे देखने वाले बड़ा अच्छा फैसला करते हैं, मैं आपको बता दूं। नहीं ताड़े लोड शेडिंग जो ना करें, पाकिस्तानी पाकिस्तानी जो है ना वो बहुत चिड़े वाले पाकिस्तान दे विच रहने, जाहिर है पाकिस्तान, प्रोग्राम का नाम देखिए ना आप, पंजाब कहाँ है? पाकिस्तान में। फिर पाकिस्तान के जो हालात है वो अभी देखिएगा बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन चौधरी परवेज के साथ जो मेरा कन्फ्लिक्ट था ना, जो मेन मेजर कन्फ्लिक्ट था वो ये था कि मैं चाहता था कि चौधरी परवेज जो है वो काफ लीग के वजीर आला बने। अच्छा, वो ना कि इमरान खान के वजीर आला बने, लेकिन उनको डर ये था कि अगर मैं काफ लीग का वजीर आला बनता हूँ तो मेरे ऊपर जरदारी साहब का हाथ होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनके ऊपर जरदारी साहब का हाथ होता ताकि सीनियर और मुदब्बिर सियासतदान से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अच्छा, जिस तरह मैंने पिछले दिनों सीखा। नाज़रीन, सच या सही का फैसला करना आपका काम है और आप करते भी हैं। हमें दीजिए इजाजत, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, देखते रहिए वो सा टीवी।